गई है, तो अब इनको मैंने छील लिया है। छील के मैंने अरवी को कट कर लिया है और आलू भी मैंने कट कर लिए हैं। और देखिए ये टमाटर है, हरी मिर्च बारीक कट कर रखी है, थोड़ी सी लंबे पीसों में मैंने कट कर रखी है। तो चलिए अब बनाते हैं सब्जी। कढ़ाई रख दी है, लगाते हैं सब्जी में तड़का। लगा लेते हैं सरसों का तेल। देखिए फ्रेंड्स, अब बना रहे हैं अरवी की सब्जी। तेल गरम हो जाता है, लगाएंगे तड़का। सबसे पहले वही हींग, अरवी में हींग अच्छी तरह से लगानी चाहिए, खूब अच्छी तादाद में। ये है अजवाइन 2 चम्मच, अजवाइन में अरवी में खूब सारी लगाती हूँ। लगा देते हैं हरी मिर्च कटी हुई, मैंने बड़ी कट कर ली है। लगा रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लगा रही हूँ इसमें पानी। मसाले अच्छे से पक जाए, हल्दी जो डाली है, क्योंकि अरवी हम सूखी बनाते हैं, लागी लिपटी, मतलब ना रसीली होती है ना ही ज्यादा सूखी होती है, तो इस वजह से पानी लगाना जरूरी है ताकि हल्दी पक जाए। और डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा इसमें उबाल आ जाए, पक जाए, तभी मैं इसमें अरवी डालूंगी। उबाल आ गया है, देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। और अब मैं ये अरवी इसमें डाल देती हूँ, कट करी हुई। उबाल ली आपको दिखाया था, उबाल के मैंने इसको छील कर कट कर लिया था। अब कर लेते हैं इसे मिक्स। देर के लिए मैं इसे इसी तरह से ढककर पकाऊंगी 2 मिनट के लिए। देख लेते हैं फ्रेंड्स, अरवी की सब्जी देखिए, अरवी की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, देखिए एकदम मस्त। देखिए सब्जी बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स, आपको सब करके दिखाती हूँ। गैस कर देते हैं बंद। देखिए फ्रेंड्स, अरवी की सब्जी बनकर रेडी है। देखिए अब चाहे इसे आप पूरी से खाएं, पराठे से खाएं या रोटी से खाएं, सबसे बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगती है, और वीडियो शेयर भी जरूर से करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।